ओम श्री साईनाथाय नमः। साईनाथ की, बाबा की शिरडी में या फिर जितने भी बाबा के साईं मंदिर हैं वहाँ पर बाबा की आरती 4 टाइम की जाती है। पहली आरती काकड़ आरती, सुबह की आरती, दूसरी आरती मध्यान्ह आरती जो दोपहर को की जाती है, तीसरी आरती धूप आरती जो संध्या के समय की जाती है, चौथी आरती शेज आरती जो बाबा को सुलाने के लिए की जाती है रात को। तो इन 4 आरतियों में बहुत ही आनंद मिलता है भक्तों को, बहुत ही सुकून मिलता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या 4 आरतियाँ हमें अपने घर पर भी करनी चाहिए? हम बाबा की कौन कौन सी आरती करें जिससे हमें सुकून मिले और घर पर सुख शांति बनी रहे? तो आइए इसी विषय पर, इसी टॉपिक पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम बाबा की घर पर आरती कौन कौन सी करें और कैसे करें। तो देखिए, बाबा की अब शिरडी साईं समाधि मंदिर हो या फिर कोई भी मंदिर हो, तो मंदिरों की जो नकल है वो हम घर पर नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि मंदिर मंदिर है और घर पर हमें बहुत सारे काम होते हैं। घर पर हमें घर का खाना भी देखना होता है, बाकी काम भी देखने होते हैं, सबकी केयर भी करनी पड़ती है। तो उस काम में उलझकर कई बार बाबा की पूजा सही से हो पाती है, कई बार हो भी नहीं पाती। कई बार हम इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि बाबा का भोग भी बहुत जल्दी जल्दी में लगाना पड़ता है, आरती बहुत जल्दबाजी में करनी पड़ती है, पूजा का समय कभी आगे हो जाता है, कभी पीछे हो जाता है, तो हम लोग कई बार समय से काम नहीं कर पाते। होता है ना ऐसा, क्योंकि घर पे हमें बहुत सारे काम होते हैं और कामों में उलझकर कई बार हमें तो भोजन करने का भी समय नहीं मिल पाता, खाना खाने का भी समय नहीं मिल पाता, वो भी कई बार टाइम से इधर उधर हो जाता है। तो इसलिए आप इतना चिंता ना करें। बाबा का कहना क्या है, आप बाबा को मानो, लेकिन बाबा को मानने के सबसे पहले बाबा की मानो। बाबा को मानना अच्छी बात है, लेकिन बाबा की मानो। बाबा ने आखिर कहा क्या है? तो बाबा ने कहा है कि जब तुम्हारा पेट भरा रहेगा, जब तुम भूखे नहीं रहोगे, तो मेरी पूजा और आराधना करने में तुम्हारा मन भी लगेगा। अब समझे, मतलब बाबा का कहना है कि आप खाते पीते रहो, खाने से कभी मुख मत मोड़ना अगर साईं को पाना चाहते हो। तो इसी प्रकार आप अपने घर पे जितने आप सक्षम हो उतनी आरती करो। अगर आपके पास समय है तो आप 4 टाइम आरती करो, अगर आपके पास समय नहीं है तो सुबह शाम की आरती बहुत ज़रूरी होती है, सुबह शाम की आरती कीजिए, ठीक है। और अगर शेज आरती कर पाते हैं तो बाबा को सुलाने के लिए शेज आरती कर लें, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। अब आपका कहना है कि हमें तो आरती गानी नहीं आती, हम आरती करें तो करें कैसे? तो YouTube है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप TV लगाएं, YouTube लगाएं, फ़ोन चला लें, फ़ोन में YouTube पर आप सर्च करें साईं बाबा काकड़ आरती, साईं बाबा मध्यान्ह आरती, साईं बाबा धूप आरती और साईं बाबा शेज आरती। आपको आरतियां मिल जाएंगी और वो आरतियां प्ले करके अपने घर पर आरती कर सकते हैं। फिर चाहे आपके घर पर साउंड सिस्टम है आप उसमें लगा लीजिए, ब्लूटूथ है उसमें लगा लीजिए, जैसे भी कनेक्ट करके आप आरती करना चाहते हैं वैसे आप आरती कर सकते हैं। और रोज़ रोज़ आपने आरती लगानी शुरू कर दी तो आपको धीरे धीरे आरती याद भी हो जाएगी। बस सिंपल सा काम है, इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपसे नहीं बन पड़ता फिर आप 2 टाइम आरती करें, एक सुबह की काकड़ आरती कर लें और एक शाम की आरती कर लें। और अगर काकड़ आरती भी नहीं हो पाती तो जिस समय आप उठते हैं तकरीबन 5 या 6 बजे तो उठ ही जाते होंगे आप, तो 6 बजे के बाद बाबा की पूजा करिए, बाबा को स्नान कराएं और बाबा के वस्त्र पहनाकर शिरडी माझे पंढरपुर आरती आप कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है। अगर काकड़ आरती आपसे नहीं होती, नहीं उठ पाते आप लोग जल्दी 4 बजे या फिर 5 बजे, तो आप बाबा की शिरडी माझे पंढरपुर छोटी आरती करके बस हो गई बाबा की पूजा संपन्न, ठीक है। इसलिए इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है, कुछ मैंने ना बता पाई हूँ, कुछ आपको और पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट करके अपना सवाल कमेंट में लिख सकते हैं और जब कमेंट हम पढ़ेंगे तो आपके जो सवाल हैं वो वीडियो के ज़रिए आप तक पहुँचा दिए जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए ज़्यादा
चिंता ना करें, सिंपल तरीके से बाबा की पूजा की जाती है, आप भी कीजिए, बाबा दया करेंगे, आपके घर में सुख समृद्धि होगी। ओम साई राम, जय साई राम।